सारी से जिया पिलोटे। इस कजरी का किस्सा जरूर बताना पड़ेगा। ये कजरी जो मैं सुनाने जा रही हूं, हम भी लोगों से सुन के ही सीखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं पारंपरिक जो गीत चले आ रहे हैं उन्हीं का संकलन करती हूँ। अभी तो ये हाल है, फेसबुक पे लोग गाने बोलते हैं, व्हाट्सएप पे गाने हमको भेजते हैं कि हमारी दादी गाती थी, हमारी आजी गाते, कि सोहर बनना और किसको बौराहट पड़ी जो आजकल इकट्ठा करे, कोबर का गाना, हल्दी का, माड़ो का गाना। ये गीत जब हमको मिला तो मैंने इस गीत को ढूंढा भी, तैयारी भी की और गाया भी, और इसको गाने के बाद जब पहली बार गाया तो सबको समझ नहीं आया कि भाई ये किस प्रकार का गीत है, कजरी में ऐसी रचना। और इसकी प्रामाणिकता, उस पर चर्चा करके मुझे अभी याद आ गया, ठुमरी फेस्टिवल जो होने वाला परसों से, आप बजा रहे थे और आप भी थे, हम लोगों ने इसको गाया, गौहर जान जी की रची हुई, सेजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। इसको इसलिए क्योंकि जो धुन है, यह धुन बिस्मिल्ला खान साहब ने ऐसी बजाई है कि यह धुन जैसे गाना शुरू होगा आपको सिर्फ खान साहब की शहनाई याद आएगी, इतना रच कर ये कजरी उन्होंने बजाई है। और मैं बता सकती हूँ, वो जब घर आए थे तो उन्होंने सुनाई भी थी, अरिया गिला गसैया की सूरतिया के दुखवा बीतल रतिया पातर भुइया गहिरा। वो बड़ा अच्छा गाते थे, अरे कमर में उठला दर्दिया के दुखवा बीतल रतिया। उसी काल जय धन पर से जिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। जिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। से जिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। सुन सुना
लोलवा